अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इन्फिनिक्स S5 लाइट का। और दोस्तों ये डिवाइस जो है मैंने 1 वीक पहले परचेस कर लिया था और दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं था मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूं, और दोस्तों आज मुझे टाइम मिला है जाके, तो इंशाल्लाह आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते इस प्राइस टैग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। बहुत ही यार मैंने इसकी तारीफ सुनी थी, पहले जो था मेरा मूड था इन्फिनिक्स हॉट 8 जो है लेने का, लेकिन उसी प्राइस रेंज में ये डिवाइस भी तो देखते हैं दोस्तों इस प्राइस रेंज में हमें देखने को क्या क्या मिलता है। और बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल जी। चलिए ये है वो डिवाइस और इसके साइड पे हमें देखने को मिलता है इन्फिनिक्स S5 लाइट। और दोस्तों ये जो वेरिएंट है ये मैंने परचेस किया है 64GB और 4GB रैम के साथ मिडनाइट ब्लैक कलर में। यार मैंने लिया क्योंकि इस कलर में बहुत ही ज्यादा चलता है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके चार्जर की। तो चार्जर इसमें ज्यादा यार खास लग नहीं रहा, तो इसमें हमें पावर देखने को मिलेगा, आउटपुट जो है इसमें देखने को मिलेगा हमें 5 वोल्ट 1.2 एम्पीयर का, ठीक है इसके लिए। बात करते हैं यार इसके हेडफोन की, जो ज्यादा हाई क्वालिटी का नहीं है, इसको भी रख देते हैं साइड में। उसके बाद आती है इसकी डेटा केबल। डेटा केबल देखने के बाद इसको डेटा केबल जो है वो दी गई है माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी। डेटा केबल में कुछ दम लग रहा है क्योंकि यार ऐसी डेटा केबल बहुत फास्ट होती हैं, तो देखते हैं। उसके बाद इसके अंदर इस जगह पर हमें देखने को मिला सिम इजेक्ट टूल, और बोलते हैं देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मेन्यू देगा। ओह तो उसके बाद हमें देखने को मिला सिलिकॉन केस और ये कुछ मेन्यू लिया है, और ना तो हम पढ़ते हैं ना ही आप पढ़ते हो गए, तो इसको भी रख देते हैं साइड में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेसर साइड करो, और ये मिला है इसका वारंटी, इसको भी रख देते हैं साइड में। उसके बाद आती है मेन चीज, तो ये है वो चीज, इसे भी उतार देते हैं। उसके बाद इस चीज को भी उतार देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा गया है। इसके जो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है वो है 6.6 इंचेस का HD डिस्प्ले। उसके अलावा इसमें हमें देखने को मिला फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का लो लाइट कैमरा, यार जबरदस्त चीज है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है AI ट्रिपल कैमरा। AI की मीनिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है आप देख लेना गूगल पे, मैंने भी आज ही देखा है। उसके बाद 4000mAh बैटरी के साथ देखने को मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है कि 3 डेज तक ये जो है चल सकता है, लेकिन यार एक दिन में पूरा हो जाता है। उसके बाद उतार लेते हैं इसको, तो ये है दोस्तों आपके सामने इन्फिनिक्स S5 लाइट, और आप ये देख सकते हैं शायद ये फोकस कर सके। तो यार इसमें यार एक चीज अच्छी है, इसमें जो है ब्लैक तो है लेकिन ग्लिटर ब्लैक है, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी शाइनिंग भी है। शायद आपको दोबारा दिखाऊं नजर आ सके, आप देख सकते हैं ठीक है। तो इन्फिनिक्स जो S5 है ओनली S5, उसके अंदर जो है चेक वाला पीछे से डिजाइन दिया गया है, लेकिन इसके अंदर ग्लिटर कलर है और ये मिडनाइट कलर इसको बोलते हैं, मिडनाइट ब्लैक। उसके अलावा इसके अंदर 3 कैमरा दिए गए हैं, 3 कैमरा के अलावा क्वाड फ्लैश भी दिया गया है। तो दोस्तों इसके फ्लैश इतना तेज है यकीन मानो कि आंखों को चुभता है, ठीक है। दोस्तों इन्फिनिक्स इसमें जो एक बात खास दी गई है वो है इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा, जो आम बंदे को नहीं दिखाई देगा। यार कोई नया बंदा देखेगा तो इससे पूछेगा इसका कैमरा किधर है, लेकिन और इस पे ऐसे ऐसे जो है वॉलपेपर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ये हो गया, और इसके अलावा ये देखें कहीं पर भी आपको कैमरा का ऑप्शन नहीं दिखेगा, और इसमें ऐसी ऐसी चीजें आप देखें, ये देखें आप, ये गोल्फ दिया गया है ये, और गोल्फ का हॉल है जहां पर ये कैमरा है, और यहाँ पर पैरट आएगा, देखा ऐसा लग रहा है कि ये पैरट की आंख है लेकिन नहीं। अगर दोस्तों को यहां से स्वाइप करेंगे नीचे की तरफ तो इसका फ्रंट कैमरा चल जाएगा, और इसका फ्रंट कैमरा दिया गया बिल्कुल ही साइड में। कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, तो इस वक्त जो ये वीडियो शूट हो रही है वो हो रही है इन्फिनिक्स S5 लाइट के फ्रंट कैमरा से। आप देख सकते हैं यार फर्क आपको नजर होगा, और ये जो सामने वीडियो शूट हो रही है वो है Y7 Prime 2019 की, जो अनबॉक्सिंग पहले मैं कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। की मेन और खास बात जो आज तक जो है ना किसी डिवाइस में नहीं आया होगा, इसका
प्रोटेक्टर ग्लास जो इस वक्त मेरे पास है, ये देखें, आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन है, कहीं से भी इसको कैमरा वगैरह का होल नहीं है, आप खुद ही इसको देख सकते हैं। और ये इसका फुली ग्लास है, प्रोटेक्टर। दोस्तों ये है वो स्मार्टफोन। और यार बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, यार क्योंकि मैंने इसको अनबॉक्स पहले ही कर दिया था, उसके बाद यार इसका फोन का जो अपना ही जो है ना अलग अंदाज है चलने का, मैं आपको दिखाता हूँ। और यार इसमें देखने को मिला 4GB रैम में जो ये वेरिएंट है 64GB, और 16 मेगापिक्सल इसका जो है फ्रंट कैमरा है, और 16 मेगापिक्सल का इसका ट्रिपल कैमरा जो बैक साइड पे जो है ना। और इसका CPU जो है 2.0 GHz का है, 4000 mAh बैटरी के साथ ये आता है। इसका जो स्क्रीन है फुली 720x600 का इसका जो फुली डिस्प्ले, यार ये कैमरा देने का मकसद ये है कि आपको फुली स्क्रीन भी मिल जाती है। और इसके जो एंड्रॉयड है वो है पाई, एंड्रॉयड पी इसमें दिया गया है। और इसमें अबाउट में जाने के बाद आपको देखने को मिल रहा है इसमें डिवाइस का जो नाम है इन्फिनिक्स S5 लाइट, आप ये थंबनेल में भी देख चुके होंगे। मॉडल जो है इसका X652V है, और इसका जो है XOS है V5.5.2 है, और एंड्रॉयड जो है 9। और दोस्तों इसके अलावा इसके बैक साइड पे हमें देखने को मिल रहे हैं 3 रियर कैमरा और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो ये फिंगरप्रिंट भी है, यार ये पीछे से थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि हाथ वगैरह लगते हैं ना, तो आप इसके पीछे से स्क्रीन देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्लैट है। अब ये देखें बिल्कुल ही फ्लैट दिया गया है, कुछ भी नहीं। लेकिन इसका यार एक चीज अच्छी है, इसमें ग्लिटर कलर दिए गए हैं, शायद इसमें नजर आए। यार ये उठाने का मकसद ये है कि मेरे पास दूसरा ट्राइपॉड नहीं है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी जो है परचेस कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास दो थे, दोनों मैंने साथ ही लिए थे यार, एक जो है कैसे करके टूट गया था, तो अभी फिलहाल ये भी मैं अभी लेकर आया हूँ। यार बात करें इसके प्राइस की नेट पे, तो यार इसका प्राइस बहुत ही मेरे ख्याल से कहीं पर 23,000 दिखा रहे हैं, कहीं पर 21,000, लेकिन ये मुझे पड़ा है 20,000। दोस्तों मैं आपको बताना चलूँ ये जो मुझे स्मार्टफोन इतनी प्राइस में मिला है वो कैसे, क्योंकि मुझे जब भी स्मार्टफोन चाहिए होता है या कुछ भी उनसे ही उन्हीं की शॉप पे जाके मैं परचेज करता हूँ, और इसके अलावा किसी भी मेरे फ्रेंड को चाहिए होता तो उन्हीं की शॉप पे जाता हूँ। तो जब मैं अपने लिए जाती लेने जाता हूँ तो मुझे स्पेशली डिस्काउंट मिलता है, वो इसलिए क्योंकि मैं इनका रेगुलर कस्टमर हूँ। और अभी आप बोलेंगे कि भाई अगर आप इतने ही मोबाइल परचेस करते हैं तो अनबॉक्सिंग क्यों नहीं लेकर आते, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ये नहीं कि सारा दिन जो है ना बिजी रहता हूँ, असल में बात ये है कि वीडियो शूट करने के लिए यार हल्का फुल्का सेटअप होना है। यार अभी मेरे पास खास स्टूडियो वगैरह नहीं है, वरना इंशाल्लाह आप डेली बेस पे वीडियोस देखते हो, अनबॉक्सिंग भी। ये नहीं कि अगर किसी के पास स्टूडियो हो तो वीडियो शूट करे, यार बंदे देखो पता नहीं कौन कौन सी जगह पे बैठ के वीडियो, सिर्फ बंदे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो मेरे अंदर थोड़ा सा। कैमरा के सामने बंदा बात नहीं कर पाता, बोलेगा ना यार कोई मुश्किल नहीं है, ये है वो है, लेकिन नहीं, मैं खुद ऐसे बोलता था, लेकिन जब कैमरा के सामने आया तो भाई की बोलती बंद हो गई। तो इंशाल्लाह अगर ऐसे ही जुड़े रहे, वीडियो बनाते रहे, तो ऐसे ही इंशाल्लाह आप डेली बेस पे या हफ्ते में दो बार आप मेरी वीडियो देखेंगे, यार सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत। यार आप अभी बोलोगे कि यार बहुत ही बोर कर रहा है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी एक्सपर्ट, कुछ भी, ये नहीं कि मैं जानता हूँ, मैं खुद उसके बारे में रिसर्च करूंगा, देखूंगा जो सच है या जो हकीकत है और जो सच में काम करता है, वो चीज मैं इंशाल्लाह आपको रिकमेंड करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, मेरा एक और भी चैनल है जी ब्लॉग्स के नाम से, जहां पर ब्लॉगिंग करता हूं। पहला मेरा ब्लॉग आया है, इतना खास नहीं है, इंशाल्लाह इस फ्राइडे को सेकेंड ब्लॉग भी आने वाला है। आपका बस सपोर्ट रहा और प्यार रहा, तो इंशाल्लाह से जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब